रानी मुखर्जी अपने पति आदित्य चोपड़ा और अपनी बेटी आदिरा के साथ बेहद खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। रानी मुखर्जी साल 2014 में 21 अप्रैल के दिन शादी के बंधन में बंधी थी आदित्य चोपड़ा के साथ। अक्सर देखा जाता है कि रानी अपने इंटरव्यू में अपने पति संग रिश्ते पर कई राज खोलती हुई भी नजर आई है, लेकिन बताना चाहेंगे आप सभी को कि आदित्य चोपड़ा संग शादी से पहले जब रानी मुखर्जी भड़क उठी थी आदित्य चोपड़ा का नाम सुनकर, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जब रानी मुखर्जी पहुंची थी दिग्गज अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के चैट शो में और उस दौरान रानी मुखर्जी से कई सवाल पूछे गए थे। रानी मुखर्जी उस समय ऑफिशियली सिंगल थी, लेकिन चैट के दौरान सिमी ग्रेवाल ने रानी मुखर्जी से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल किए थे और उस दौरान रानी मुखर्जी भड़क उठी थी और उन्होंने सिमी ग्रेवाल को बेहद अलग अंदाज में जवाब भी दे दिया था। दरअसल कहा जाता है कि उस वक्त रानी मुखर्जी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात ऑन कैमरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उस वक्त रानी मुखर्जी यश चोपड़ा की बेटी फिल्म डायरेक्टर यानी कि आदित्य चोपड़ा को डेट कर रही थी और उस वक्त सिमी ग्रेवाल ने आदित्य चोपड़ा का नाम ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि रानी ने कहा था कि मुझे भी आपकी पर्सनल बातों के बारे में काफी कुछ पता है, आप कहें तो मैं भी कह दूं। रानी के उस जवाब को सुनने के बाद सेट पर सभी हैरान रह गए थे। वहीं सिमी ग्रेवाल भी उस वक्त चुप हो गई थी, लेकिन रानी के जवाब को उन्होंने जैसे तैसे संभाला था। वेल, देखा जाए तो रानी मुखर्जी जो सवाल के बाद शो में इंटरेस्ट ही नहीं ली थी। कहा जाता है कि रानी मुखर्जी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी ऑन कैमरा। वेल, फिलहाल देखा जाए तो रानी मुखर्जी अपने पति आदित्य चोपड़ा के साथ भी हर शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आदित्य चोपड़ा के पिता यश चोपड़ा रानी मुखर्जी के ससुर हैं, तो वहीं यश चोपड़ा सिमी ग्रेवाल के जीजा जी भी लगते थे। इस हिसाब से देखा जाए तो यश चोपड़ा की पत्नी पमेला चोपड़ा सिमी ग्रेवाल की कजिन है, वहीं रानी मुखर्जी की वह सास है और इस हिसाब से रानी मुखर्जी का सिमी ग्रेवाल के साथ बहुत ही खास रिश्ता भी है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।